हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपकी नब्बी कविता जिसका नाम है वरदान मांगूंगा नहीं। इस कविता का जो कुछ भी स्वाध्याय हमें यहाँ पे दिया गया है वो हम देखने वाले हैं। तो फिर चलिए स्वाध्याय को शुरुआत करते हैं। उससे पहले इसी तरह से स्वाध्याय के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू में दिख रहे आपको छोटा सा बेल आइकॉन दिख रहा होगा वहाँ पे आप ऑल कीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए। देखिए पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। उसमें से पहला है क, कवि ताप और अभिशाप देने की स्थिति में वरदान नहीं मांगेंगे। तो कवि किन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगना चाहते? तो कवि ताप और अभिशाप देने की स्थिति में वरदान नहीं मांगेंगे। अगला है ख, आकृति पूर्ण कीजिए। सुखद स्मृति इनके लिए है, प्रहरों के लिए, खंडहरों के लिए। दूसरा है, कवि भयभीत नहीं है, किसमें? हार में और जीत में। दूसरा सवाल देखिएगा कि पद्य में पुनरावृत्त न हुई पंक्तियां लिखिए। पहला है, तिल तिल मिटने की नौबत आने की स्थिति में। दूसरा है, अपने माफ कीजिएगा, अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने तथा अपनी भग्न आकांक्षाओं की पूर्ति करने की स्थिति में। हार को जीत में बदलने की स्थिति में। तीसरा है, रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर उचित मुहावरा लिखिए। रुग्ण शैया पर पड़ी माताजी को देखकर मोहन का धीरज धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तिल मिट जाना, जिस्म टूट जाना। तो इसका उत्तर क्या आएगा? रुग्ण शैया पर पड़ी माताजी को देखकर मोहन का धीरज तिल तिल मिट रहा था। उसके बाद निम्न लिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। उत्तर क्या है? शुद्ध वाक्य हमें यहाँ पे लिखना है। अभी ये भाषा बिंदु है तो इसे हम लिखेंगे, लेकिन इससे पहले पाठ के अंगन में हमें कुछ तो दिया है वो हम देखेंगे। इसमें हमें दिया है कि कविवर्य रविंद्रनाथ टागोर जी की कविता पढ़िए। तो कविवर रविंद्रनाथ टागोर जी की बहुत सारी कविताएं बहुत प्रसिद्ध है। उनमें से एक, दिन पर दिन चले गए, दिन पर दिन चले गए पथ के किनारे, गीतों पर गीत अरे रहता पसारे, बीतती नहीं बेला सुर में उठाता, जोड़ जोड़ सपनों से उनको मैं गाता, दिन पर दिन जाते मैं बैठा एकाकी, जो रहा बाट अभी में मिलना तो बाकी, चाहो क्या रुकूं नहीं रहूं, सदा गाता करता जो प्रीत अरे व्यथा नहीं पाता। उसके बाद देखिए अगला हम देखने वाले थे भाषा बिंदु। तो भाषा बिंदु में हमें वाक्य शुद्ध करके लिखना था। उसमें से पहला वाक्य, लता कितना मधुर गाती है। अभी आपको यहाँ पे जो वाक्य दिख रहे हैं वो शुद्ध रूप में है तो ये ध्यान में लीजिएगा। तो वाक्य क्या है पहला? कि लता कितना मधुर गाती है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि तितली के पंख सुंदर होते हैं। तीसरा है, यह भोजन इस लोगों के लिए है। चौथा है, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। पांचवा वाक्य, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। छठा है, तुमने मिट्टी से किया प्यार। सातवां है, यह है न पसीने की धारा। आठवां है, आओ सिंहासन पर बैठो। नौवां है, हम हंसे ताकि फूले फले देश। और आखिर का है, यह गंगा की है नवल धारा। और इस तरह से हमारा जो कुछ भी स्वाध्याय था वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर इसको इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से स्वाध्याय के वीडियोस देखते रहेगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ, अगले कविता के स्वाध्याय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।